दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया एक से बढ़कर एक अजूबो चमत्कारो और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इस पृथ्वी पर आकर्षण पर्यटक स्थल के साथ साथ कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर्यटक घूमने जाने से कतराते हैं। इन जगहों पर घूमने जाना खतरे के मुंह में जाने के बराबर माना जाता है, और आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं में से कुछ पांच सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के बारे में है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल व्हाट द फैक्ट हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, माउंट वाशिंगटन। दोस्तों माउंट वाशिंगटन का शिखर पृथ्वी की सतह पर सबसे तेज हवाओं के लिए विश्व रिकॉर्ड रखता है। माउंट वाशिंगटन पर 327 किमी घंटे की हवाएं चलती है, लेकिन सिर्फ तेज हवाएं ही चिंता का विषय नहीं है। तेज हवाओं के साथ साथ इसका तापमान भी माउंट वाशिंगटन को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। माउंट वाशिंगटन का तापमान 40 डिग्री तक गिर जाता है। 1917 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट वाशिंगटन दुनिया की सबसे घातक चोटियों में से एक है। नंबर 4, लाहादा क्यूमादा ग्रांड। दोस्तों अपने पेचीदा नाम से जाने जाने वाला लाहादा क्यूमादा ग्रांड ब्राजील के तट पर स्थित है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इस द्वीप को ग्रह का सबसे खतरनाक स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। लाहादा क्यूमादा ग्रांड में दुनिया के सबसे विषैले सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जहां जाना मौत के मुंह में कदम रखना माना जाता है। रिसर्च टीम के अनुसार इस आइलैंड पर 5 वर्ग मीटर लंबे और जहरीले सांप पाए जाते हैं, और इस जगह से कई व्यक्तियों के मरने की जानकारी भी मिली है जिनकी मौत सांप के काटने से हुई थी। और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस स्थान को पर्यटक के लिए प्रतिबंध कर दिया है। नंबर 3, सीनाबुक। दोस्तों सीनाबुक एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, और यहाँ अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, जिससे यहाँ के हजारों लोगों को अपना आश्रय छोड़ना पड़ा है। और आसपास के कई कस्बों और गांव पहले से ही कई बार लावा और राख में पूरी तरह से समा गया है। सीनाबुक में 2010, 13, 14 और 15 में कई ज्वालामुखी विस्फोट देखे गए हैं, जबकि हाल ही में विस्फोट 27 फरवरी 2016 को हुआ था। उस विस्फोट की गैस, पत्थर और राख से भारी नुकसान हुआ था। वास्तव में सीनाबुक दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहां कल क्या होगा कोई नहीं जानता। नंबर 2, दानाकिल रेगिस्तान। दोस्तों दानाकिल रेगिस्तान उत्तर पूर्व इथोपिया, दक्षिण इरिट्रिया और उत्तर पश्चिम जिबूती में एक रेगिस्तान है, जहां पर विशाल त्रिभुज में स्थित दानाकिल रेगिस्तान 136,956 वर्ग किलोमीटर के शुष्क इलाके में फैला है। यह क्षेत्र अपने कई सक्रिय ज्वालामुखी और अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में एक है। दानाकिल रेगिस्तान के परिदृश्य की कल्पना करना मुश्किल है। दानाकिल रेगिस्तान का दिन का तापमान प्रतिदिन 50 डिग्री सेल्सियस को पार करता है, और इस जगह पर प्रत्येक वर्ष 1 इंच से कम वर्षा होती है। लेकिन शायद आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि यह जगह अभी भी दुनिया भर के बहादुर साहसी लोगों को आकर्षित करता है। बस ध्यान रखें कि एक अनुभवी गाइड के बिना दानाकिल रेगिस्तान पर जाना सख्त मना है। नंबर 1, डेथ वैली। दोस्तों डेथ वैली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला, सबसे गर्म और सबसे सूखा हिस्सा है। डेथ वैली उत्तर दक्षिण की और लगभग 225 किमी लंबी है और 8 से 24 किमी चौड़ी। डेथ वैली हमारे पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है, जिसका उच्चतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। डेथ वैली की चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच वो भी व्यक्ति बिना पानी के 14 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता, और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेथ वैली कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।